नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 1 है, इसमें प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। TGT कला के लिए निरूपित है। TGT PGT आर्ट में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास है। खासकर जो लोग वनडे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं वो लोग भी यहाँ बैठ सकते हैं, अपना भाग्य आजमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस बनते हैं और आर्ट एंड कल्चर आपके सिलेबस में भी पूछा जाता है। कई जगह ऐसा है जहाँ आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड होता है तो वहाँ क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 का एक वीडियो अपलोड हुआ था लेकिन कुछ कमियों की वजह से उसे डिलीट करना पड़ा था, दोबारा अपलोडिंग हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे सत्य हैं, बताए गए क्वेश्चंस का जो आंसर है सत्य है। हालांकि 100% गारंटी के साथ तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 100% गारंटी के साथ कोई बुक भी नहीं दे पाता है। थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हर जगह हो ही जाती हैं, तो यहाँ भी हो सकता। मानवीय दिमाग है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि 100% प्योर देता है डाटा। हो सकता है एक आध क्वेश्चंस कहीं 19-20 हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं एक आध क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुकने लगेगा तो आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन अपने यहाँ से हो, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल अब जो है कुछ उपद्रवी तत्व हैं जिन्हें जो है अब इग्नोर करने की पूरी चेष्टा की जाएगी, फिलहाल उनका इलाज भी हो चुका है। आइए देखते हैं हम लोग पहला टेस्ट पेपर। कल 50 मिनट का वीडियो डिलीट करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा कष्ट की बात थी, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ भी था। पहला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंध रखता है? बुधियाल से, कोल्डिहवा से, संगनकल्लू से या फिर ब्रह्मगिरी से? तो राख का टीला कहाँ पाया जाता है बेटा? संगनकल्लू में पाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र मिलते हैं? तो वह कौन सा शिलाश्रय है जहां शिलाओं पे ज़्यादा चित्रण मिलते हैं? घघरिया, लिखाहिया, भीमबेटका या फिर आदमगढ़? राइट आंसर भीमबेटका के साथ जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? अजंता, बाघ, भीमबेटका या फिर अमरावती? तो बड़ा प्रागैतिहासिक काल का स्थल है, चित्रकला के लिए ज़्यादा फेमस है। राइट आंसर भीमबेटका बनेगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या फिर चांदी के आहत सिक्कों में? तो भारत में चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है बेटा वो कहाँ पे मिला है? हड़प्पा संस्कृति में मिला है, तो ए राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में पूछ लिया गया है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, पांडू रंग का, नीला, हरा या फिर नीला? तो बड़ा हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे उसमें जो है लाल रंग यानी गेरुआ रंग का खूब प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा गया, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक ने हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों का टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपण नहीं हुआ है? तो कौन सा ऐसा पशु है जिसका टेराकोटा में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, गैंडा, हाथी, बाघ? राइट आंसर बनेगा बेटा गाय। गाय का टेराकोटा में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है पाषाणकालीन में। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, रोपड़ में या फिर आलमगीरपुर में? तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा बेटा वो मोहनजोदड़ो बनेगा, ए राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सुमेलित नहीं है बताना है आपको, लोथल गुजरात में है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा हरियाणा वाला गलत है डाटा, कालीबंगा हरियाणा वाला गलत है, बाकी रोपड़ पंजाब में पाया जाता है, ये भी सही है। तो जो है प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर सी बन रहा है, यही कालीबंगा हरियाणा वाला बाटा गलत हो रहा है। कालीबंगा कहाँ पाया जाता है, कालीबंगा कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न क्वेश्चन मार्क उठाता है।
फिलहाल हमें नहीं पता है। मैं इसीलिए कहता हूँ हमें नहीं पता है, कुछ महानुभाव हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है बेटा? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर सिंध में? तो हड़प्पा का स्थल है लोथल, और मूल रूप से कहाँ पे पाया जाता है? तो जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय नेता आते हैं, चाहे वो गांधी जी हों चाहे वो मोदी जी हों, गुजरात में है। तो लोथल भी गुजरात में ही पाया जाता है बेटा। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया, सिंधु घाटी की लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, या फिर विष्णु की? तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा किया करते थे उसमें पशुपति भगवान की पूजा ज़्यादा करते थे। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे बेटा? कार्ल मैकाले, क्लाइड, सर जॉन मार्शल, या फिर कार्नल ट्राड? तो बेटा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी बनाए गए थे वो प्रभारी थे जॉन मार्शल साहब। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। जॉन मार्शल इज़ द राइट आंसर। जॉन मार्शल इज़ द राइट आंसर। अच्छा, कल वाले जो वीडियो हमने डिलीट किया है उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया था कितने पेपर होते हैं, कैसे पेपर होते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से डाटा आ सकते हैं, कहाँ से डाटा नहीं पूछता है, किसका जो है पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो बेटा मैं दोबारा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि केवल और केवल एक ही पेपर होता है, केवल और केवल एक ही पेपर होता है। अब सिलेक्शन का एकमात्र प्रोसेस है कि एक पेपर होगा, 125 प्रश्न आपसे पूछेगा, नकारात्मक अंकों का प्रावधान नहीं है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे। आपको MCQs टाइप का एक गोला भरने के लिए ऐसा चार्ट मिलेगा, इसमें आपका जो है नाम या फिर रोल नंबर या फिर अंक क्रमांक कुछ मांगता है ऊपर देना रहता है, और नीचे जो है आपका गोला बनाने वाला रहेगा, इसमें गोला भरना होता है। चार ऑप्शंस होते हैं तो चारों ऑप्शंस रहता है, ऊपर ABCD लिखा रहेगा और इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको भरना होता है। जैसे आप क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो है प्रभारी कौन थे? मैकाले थे, मार्शल थे, कर्नल टाट थे, या फिर क्लाइव थे? तो आप जानते हैं जॉन मार्शल थे, तो राइट आंसर आप बी भरेंगे। इसे 11 के सामने प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, उसके सामने बी का गोला कर देंगे, तो इस टाइप का गोला भरने का डाटा यहाँ पर मिलता है, काम हो जाता है। ऐसे अगर डाटा आपका सही होता है तो काम हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लें, उसके लिए चाहे जितना पसीना हमें बहाना पड़े हम बहाने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि खूब प्रैक्टिस करवा दें, खूब मॉडल पेपर करवा दें, खूब प्रीवियसर पेपर करवा दें, टेस्ट पेपर भी खूब दबा के करवा दिया जाए। जैसे 90 टेस्ट पेपर हमने टारगेट रखा है, 90 टेस्ट पेपर आपको कराया जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। जो नया सिलेबस है पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन मिलेगा बेटा। एक पेपर है, माइनस मार्किंग है नहीं, 500 नंबर का है, बस इसी में आपको शॉर्ट लिस्टिंग हो जाना है। सबसे ऊपर अगर आपका नाम रहेगा इसे सीधे लिस्टिंग बनता है, 148 लोगों का सिलेक्शन होना है तो 148 लोगों का नाम ही आता है, बाकी एक्स्ट्रा नाम नहीं आते हैं। 148 सिलेक्शन तो 148 लोगों का सिलेक्शन होगा, यहाँ वेटिंग लिस्ट नहीं चलती है। और एक बार सिलेक्शन लेने के बाद आप जानते हैं कि एक प्रमोशन में आप सीधे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होता है, तो बहुत अच्छा चांस होता है यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या 11 आपने समझा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन रहे हैं? जॉन मार्शल जी रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक विधि जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कर्निंघम, जॉन मार्शल, मार्ट व्हीलर, या फिर एफ डेल्फ? तो बेटा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो हड़प्पा का उत्खनन आप जानते हैं किसने किया था, हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए गए और उन्हें समझ में नहीं आया, वो चले आए, ऐसा काम कर्निंघम ने किया था। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, कर्निंघम। ठीक है, कर्निंघम। हड़प्पा, राय बहादुर, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, ये लोग खोजते हैं। कब खोजते हैं? 1921 में रावी नदी के किनारे वाला बेल्ट होता है, मोंटगामरी जिला, पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान वाले बेल्ट में। ठीक है,
तो ये डाटा आपके दिमाग में चलना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता? तो हड़प्पा का संबंध जो है सिंधु की घाटी सभ्यता वाले से है, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इफ्ये में से कोई नहीं। तो भारत में स्थित वाला बेल्ट कौन सा है बेटा? आप जानते होंगे मोहनजोदड़ो भी लखराना प्रांत है, कहाँ पड़ता है? सिंधु वाला बेल्ट होता है यानी पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में पड़ेगा। हड़प्पा भी मॉन्टगोमरी जिला, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। तो लोथल जो है बेटा ये आपके भारत में ही पड़ता है। लोथल, लोथल कहाँ पे पड़ता है? तो लोथल आप जानते होंगे, लोथल कहाँ पाया जाता है? अहमदाबाद का गुजरात वाला बेल्ट होता है लोथल के लिए, अहमदाबाद का गुजरात वाला बेल्ट है, यहीं पे मूल रूप से लोथल पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में घेरे को कुआं का अवशेष मिलता है? तो बेटा घरों में कुआं कहाँ पाया जाता है ऐसा पूछा जा रहा है, घुमा के पूछा गया क्वेश्चन। तो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा मोहनजोदड़ो में बनेगा। मोहनजोदड़ो में घरों में कुआं खूब पाया गया है। मोहनजोदड़ो लखराना प्रांत वाला बेल्ट होता है, सिंधु में पाया जाता है। आप जानते हैं इसके खोजकर्ता कौन है? तो रखाल दास बनर्जी जी हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन फेमस है? रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जान मार्शल ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल और जो है रंगनाथ राव, या फिर माधव स्वरूप वत्स और बीबी राव? तो बेटा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में सबसे मुख्य नाम जो जुड़ता है वो रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का जुड़ता है। रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ही राइट आंसर बनते हैं। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया, निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है? तो घग्घर के किनारे कालीबंगा पाया जाता है, आप जानते होंगे कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे पाया जाता है। तो जो है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर बनावली? तो घग्घर नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों की घाटी में मूल रूप से क्या पाया जाता है? कालीबंगा पाया जाता है बेटा। यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। तो घग्घर नदी के किनारे राखीगढ़ भी पाया जाता है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और घग्घर नदी कहाँ पाई जाती है? तो घग्घर के साथ और ऑप्शंस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो बनावली है, बनावली आप जानते होंगे सरस्वती नदी के किनारे पाई जाती है, और सरस्वती में ही मूल रूप से घग्घर नहीं बनावली, बनावली में मिट्टी का हल पाया जाता था। तो इसका भी राइट आंसर नहीं हो पा रहा है। घग्घर और उसकी सहायक नदी के घाटी में स्थित क्या है? तो घग्घर के किनारे बेटा कालीबंगा स्थित है, याद रखना है कालीबंगा स्थित है। और कालीबंगा के साथ और क्या स्थित है? तो घग्घर के किनारे राखीगढ़ भी स्थित है, राखीगढ़ स्थित है, ठीक है। तो इन चारों में राइट आंसर नहीं बन पाएगा, क्योंकि आलमगीरपुर आप जानते हैं, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ वाले बेल्ट में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। लोथल, लोथल आप जानते हैं कहाँ पे है बेटा? अहमदाबाद गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किसके है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बनावली, बनावली आप जानते हैं कहाँ पे है बेटा? बनावली हरियाणा हिसार वाला बेल्ट होता है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है बनावली, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो तो आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसलिए ये चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। घग्घर नदी पूछा गया है, कालीबंगा होता या फिर राखीगढ़ होता तो राइट आंसर बन जाता, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापित्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो शैलकृति आप जो है एस्टेब्लिश का प्रमाण कहाँ पे मिलता है बेटा? कालीबंगा में, कोटजीरी में, धौलाबीरा में या फिर आमरी में? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा राइट आंसर बनेगा जो है वो किसके साथ बन जाएगा? तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में जो शैलकृति मिलती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? तो ज़्यादातर तो जो शैलकृति मिली हैं वो धौलाबीरा से मिली हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, धौलाबीरा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पे होता है? तो कपास की खेती कहाँ पाई जाती है बेटा? मिस्र में, मध्य अमेरिका में, मेसोपोटामिया में या फिर भारत में? तो कपास की खेती के लिए भारत वाला बेल्ट जो है यहाँ की जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, भारत इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मूर्ति प्राप्त होती है? तो बेटा वृषभ की मूर्ति कहाँ से मिलती है, हड़प्पा से, लोथल से, चन्हौदड़ो से या फिर मोहनजोदाड़ो से? तो वृषभ की मूर्ति मूल रूप से कहाँ से मिलती है, आप जानते होंगे हड़प्पा से क्या मिलता है, तो मछुआरों और काश्य दर्पण, अन्न भंडार, ये सब मिलता है हड़प्पा से। अच्छा, लोथल हो गया, लोथल से क्या मिलता है, गोदीवाड़ा और वृत्ताकार चौकोर डाटा मिलते हैं लोथल से। चन्हौदड़ो की अगर बात करते हैं, मनका बनाने कारखाना, लिपस्टिक, लाली पाउडर, ये सब ज़्यादा मिलता है यहाँ से। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करते हैं बेटा, आप देखेंगे विशाल स्नानागार मिलता है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिलती है। तो मूल रूप से वृषभ मुद्रा में ऐसा डाटा भी यहीं से मिल जाता होगा, ऐसा हम लोग मान करके चल रहे हैं। राइट आंसर मोहनजोदाड़ो ही बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पे नहीं मिलता है, कौन सी पशु है जिसका हड़प्पा मोहरों पे नहीं दिखाई देता है? बैल, घोड़ा, हाथी, भैंस। बेटा बैल, घोड़ा, हाथी, भेड़ में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा का जो है मूल रूप से मोहरों पे अंकन नहीं है, सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। पूछा गया, मृण पट्टिकाओं पे उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, सिंहयुक्त देवता कहाँ से मिले हैं, बनावली से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर सुरकोटदा से? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा सिंहयुक्त देवता कहाँ से मिल जाते हैं, सिंहयुक्त देवता आपको कहाँ से मिल जाएंगे, तो सिंहयुक्त देवता के लिए कालीबंगा बताया जा रहा है राइट आंसर। जुते हुए खेत हैं मिलते हैं, चूड़ियाँ मिलती हैं, हवन कुंड मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, एक साथ फसल बोने के साक्ष्य मिलते हैं, लकड़ी की नालियाँ हैं, तो ये सब कहां से मिलती हैं? तो ये सब कुछ डाटा जो है मूल रूप से कालीबंगा से मिल जाता है। कालीबंगा कहां पे है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में कहा गया, त्रयी नाम है, त्रयी किसका नाम है बेटा, तीन वेदों का, तीन धर्मों का, साथ में बहुत सारे नाम है, लेकिन त्रयी मूल रूप से तीन वेदों को कहा जाता है, राइट आंसर जो है ए के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। 24 में पूछा गया, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था, कुंभा कहाँ पे निर्धारित होना चाहिए था, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, चीनी तुर्किस्तान में या फिर पंजाब में? तो बेटा कुंभा का स्थान मूल रूप से कहाँ पाया जाना चाहिए था, अफगानिस्तान में पाया जाना चाहिए था, राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। पूछा गया, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह युक्त के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो लौह धातु का प्रचलन मूल रूप से कहाँ मिलता है, तक्षशिला में, कौसाम्बी में, अंतरजी खेड़ा में या फिर हस्तनापुर में? तो लौह धातु का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है बेटा, वो अंतरजी खेड़ा में मिलता है, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। 26 में पूछा गया, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यम और नचिकेता का जो है संवाद कहाँ पे है, बृहद्रण उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोप उपनिषद या फिर केन उपनिषद? राइट आंसर किसके साथ बनेगा बेटा, तो कठोप उपनिषद में मूल रूप से यम और नचिकेता का संवाद लिखा हुआ है, दर्शाया गया है, राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। पूछा गया, उपनिषद पुस्तकें हैं किसकी, धर्म पे, विविध पे, योग पे या फिर दर्शन पे? तो उपनिषद का काम है बेटा दर्शन करवाना, राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, दर्शनों पे आधारित पुस्तकें हैं। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। 28 में पूछा गया, उपनिषद का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विविध या फिर राज्य? तो उपनिषद का जो मुख्य विषय रहा है, यानी कि जो है मेन डाटा रहा है, वो दर्शन करवाना होता है, तो राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है, दर्शन कराने के लिए उपनिषद लिखे गए थे, बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध भी सूचक आता है, अस्कनी नदी, पारुषणी नदी, बिपाशा या फिर सुरतुदी नदी या फिर कुंभा या फिर क्रम नदी? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध कुंभा नदी के साथ आता है, क्रम नदी के साथ आता है, राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 में कहा गया है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है, शस्त्र, लिपि, कृषि औजार और सिक्का। तो बड़ा ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है, निष्क शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो सिक्का के लिए हुआ है, राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, कान का, गला का, बाहु का या फिर कलाई का? तो बड़ा निष्क के लिए जो आभूषण था वो गले का था, गले में जो है ठप्पा लगा के सिक्का पहन लेते थे लोग, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है।
प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 में कहा गया है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बोगज कोई मूल रूप से क्या है? बोगज कोई का जो संबंध है बेटा, वो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का नामोल्लेख खूब प्राप्त होता है, वही है राइट आंसर, बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 में पूछा गया, निम्नलिखित में से अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा अभिलेख ऐसा है जो ईरान से भारत आए लोगों की सूचना देता है? मानसेहरा, साहबगढ़ी, बेजड़कोई या फिर जूनागढ़। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बेजड़कोई के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 में कहा गया, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, पंचविशत ब्राह्मण या फिर शतपथ ब्राह्मण। तो पुरुष मेघ का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है अर्थवेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर यजुर्वेद में? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऋग्वेद में हुआ है, बी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं। पूछा गया, उस जनजाति का नाम बताइए जो वैदिक काल में आर्यों के पांचजन्य से संबंधित नहीं है, यदु, पुरु, दुर्वस या फिर कीकट। तो जनजाति का नाम क्या था बेटा? जो है ऋग्वैदिक काल में आर्यों के पांच जन्य से संबंध नहीं रखता था। तो पांच जन्य से जो संबंध नहीं रखने वाला है वह कौन सा है? तो बेटा उसका संबंध है कीकट से, डी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन रहा है? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन रहा है बेटा? ऑप्शंस दिया गया है, वरुण, रुद्र, विष्णु या फिर इंद्र। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? वरुण, विष्णु, इंद्र, रुद्र। तो राइट आंसर कहाँ जा रहा है बेटा? राइट आंसर जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा? इंद्र के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। 38 में पूछा गया, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापत्री की दो पुत्रियाँ कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे अथर्ववेद के साथ जाएगा, सभा और समिति को प्रजापति की जो है पुत्रियों के रूप में दर्शाया गया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। 39 में कहा गया, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है बेटा? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऋग्वेद के साथ जाएगा। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद ही है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। प्रश्न संख्या 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 में कहा गया, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में या फिर यजुर्वेद में? तो आप जानते होंगे गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। तो बड़ा गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गायत्री मंत्र आप जानते हैं किस पुस्तक में मिलता है, दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 में पूछा गया, पुराणों की संख्या है कितनी है बेटा? 16, 19, 18, 21। तो चार वेद हैं और पुराण अष्टदश हैं बेटा, यानी 18 हैं। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा या फिर पाली भाषा? तो भगवत गीता मूल रूप से बेटा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर जो है ए के साथ बैठ रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। पूछा गया, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में किस सर्प का रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था? कालिया,
पुष्कर, वासुकी या फिर शेषनाग। तो बड़ा समुद्र मंथन के समय में मूल रूप से कौन सा सांप आता है जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं रस्सी के रूप में? आपने देखा होगा देवताओं और राक्षसों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें वासुकी नाग आता है और वो मूल रूप से रस्सा का काम करते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहे हैं, वासुकी सर्प इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में लिया गया है? कल का सबसे विवादित क्वेश्चन है बेटा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिया गया है? मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? गलती से कल हो गया इनमें से कोई नहीं, और जैसे ऐसे हमने लगाया था आगे बढ़े उसके बाद विवादों का दौर शुरू होता है, फिर ज्ञानी लोग शुरू कर देते हैं तुरंत टोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बड़ा सत्यमेव जयते आप जानते होंगे, किसी भी वनडे एंट्रेंस की आपने तैयारी की हो, चाहे यूपीपी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी वनडे एंट्रेंस की तैयारी करेंगे ये डाटा आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है। सत्यमेव जयते बेटा मुंडकोपनिषद में वर्णित है, यहीं से उठाया जाता है, इसे यहीं से लिया जाता है। इतना पॉपुलर क्वेश्चन कल गलत हो गया, इसके लिए इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया कि लगभग 800-900 व्यू से अबव हो चुका था और जो है 135-140 कमेंट आ चुके थे, उसमें लगभग 40-45 लोगों का कमेंट ऐसा था जो वीडियो को डिलीट कराने में तुले हुए थे। डिलीट करना पड़ा, मेहनत बेकार गई और कष्ट बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था। जब लय ख़राब होता है, लय के साथ काम होता है, उसमें जो मज़ा आता है वो मज़ा ज़बरदस्ती में नहीं आता। अब आज का ये वीडियो ज़बरदस्ती शूटिंग हो रहा है, ज़बरदस्ती। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। पूछा गया ऋग्वेद की मूल लिपि थी, बेटा किस भाषा में, किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि या फिर पाली लिपि? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो ऋग्वेद जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। पूछा गया अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, इजराइल से, ईरान से या फिर मिस्र से? तो अवेस्ता का मूल रूप से जो संबंध है बेटा वो ईरान से है, राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है? अशोक, कनिष्क, कालाशोक या फिर जातशत्रु? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो आप जानते होंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में होती है, सी राइट आंसर बन जाता है। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। पूछा गया आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बुद्ध भिक्षु थे, बौद्धकालीन एक शासक थे या फिर बुद्ध के कला गुरु थे? आप जानते हैं आलार कलाम से बुद्ध ने जो है शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए राइट आंसर इनके गुरु बनेंगे, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 में पूछा गया भारतीय कला में बुद्ध के जीवन पर किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, महाभनिष्क्रमण, शंबोधि, निर्माण या फिर प्रथम उपदेश? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? शंबोधि के साथ जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जहां गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुए, जहां गौतम बुद्ध को अपना प्रथम प्रवचन दिया था या फिर जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो महाबोधि मंदिर वहां बनाया गया बेटा जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 में पूछा गया त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के तीन बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, महावीर के तीन नगीने हैं या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? तो आप त्रिपिटक के लिए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ही राइट आंसर मानेंगे, डी राइट आंसर लगेगा, एकदम फुल एंड फाइनल राइट आंसर यही है भी। प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 में पूछा गया विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? बिहार में कहाँ पे है विश्व का शांति स्तूप? वैशाली में, राजगीर में, नालंदा में या फिर पटना में? तो बड़ा विश्व का शांति स्तूप मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? राजगीर में पाया जाता है, राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, राजगीर इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द
राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। पूछा गया वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना में नहीं रहा है, भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना में नहीं रहा है, वह स्थल कौन सा है? सारनाथ है, सांची है, कुशीनारा है या फिर बोधगया है? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? राइट आंसर बनेगा सांची के साथ, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। 54 में पूछा गया भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की या फिर बुद्ध की? तो मानव की प्रतिमा, भारत में सबसे पहले मानव की प्रतिमा किसकी पूजी जाती है? भगवान बुद्ध की पूजी जाती है। राइट आंसर सी के साथ बनते हैं, सी इज़ द राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 में पूछा गया बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है? तो खड़ी प्रतिमा कब बनाई गई? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में या फिर गुप्तोत्तर काल में? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो कुषाण काल राइट आंसर बनेगा, कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 में पूछा गया भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कैसे हैं? तांबे के, सोने के, चांदी के या फिर रांगा के? तो भारत के सबसे पुराने पुराने जो सिक्के मिले हैं वो किसके बने मिले हैं बेटा? चांदी के सिक्के ज़्यादा चलते थे। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। पूछ लिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य और बिहार में क्या अंतर होता है, इसे चुने। तो बेटा चैत्य होता है पूजा स्थल और बिहार होता है रहने का स्थान। चैत्य में बिहार भिक्षु रहा करते थे, बौद्ध धर्म वाले भिक्षु, और बिहार में मूल रूप से बिहार में रहा करते थे और चैत्य में पूजा किया करते थे। तो राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 में कहा गया है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर क्या लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, नंदनागर लिपि या फिर खरोष्ठी लिपि? तो दाहिने से बाएं लिखने का जो काम रहा है बेटा वो रहा है किसका? दाहिने से बाएं नंदनागरी लिपि लिखी जाती है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है, नहीं बन रहा है ये बताइए। दाहिने से बाएं लिखने का काम खरोष्ठी लिपि का रहा है, अभी कुछ कमेंट आना स्टार्ट हो जाता है यहाँ भी। दाएं से बाएं लिखने का काम खरोष्ठी लिपि में हुआ है बेटा। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, याद रखना है, डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। 59 में पूछा गया उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है। सारनाथ हो, कौशाम्बी हो, देवी पाटन हो या फिर कुशीनगर हो? तो बेटा उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का दोनों का एक पवित्र संगम पाया जाता है, उसे हम लोग कौशाम्बी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। पूछा गया देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा स्टार्ट होती है कब? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, वैदिक धर्म में या फिर आजीविका में? तो मूर्ति पूजा जो है स्टार्ट हो जाती है बौद्ध धर्म में। आप देखते होंगे भगवान बौद्ध की मूर्ति ही बना करके उनकी पूजा की जाती है। तो राइट आंसर बी के साथ बनता है, मूर्ति पूजा की स्टार्टिंग बौद्ध धर्म में होती है। प्रश्न संख्या 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 पूछा गया योग के आविष्कारक कौन है? योग को किसने खोजा है बेटा? आर्यभट्ट ने, पतंजलि ने, चरक ने या फिर रामदेव बाबा ने? बहुत सारे लोग रामदेव बाबा राइट आंसर मार चुके होंगे, लेकिन योग को आविष्कार महर्षि पतंजलि ने किया है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। पूछा गया लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? अशोक के अभिलेख से, हर्ष के अभिलेख से, कनिष्क के अभिलेख से या फिर धर्मपाल के अभिलेख से? तो लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का जन्मस्थान था, इसका समर्थन एक अभिलेख से होता है, किससे होता है बेटा? तो अशोक के अभिलेख से होता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। 63 पूछा गया अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनामप्रिया की उपाधि या फिर पशु चिकित्सालय खोले? तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसका नाम जो था आप जानते होंगे देवनामप्रिया,
देवनाम प्रिया के उदय जो है देवनाम प्रिया नाम होने की वजह से जो है इसने हिंदू धर्म में भी आस्था बनाए रखा। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं। पूछा गया सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, अशोक ने, पुष्यमित्र ने, बिंबसार ने या फिर हर्षवर्धन ने। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया है। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। पूछा गया है कालसी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है बेटा, कालसी किस लिए फेमस है बेटा, बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेखों के कारण या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ अशोक के शिलालेखों के कारण कालसी फेमस है, गुप्तकालीन मंदिरों हेतु नहीं है। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। पूछा गया सारनाथ स्तंभ का निर्माण हुआ है, सारनाथ का स्तंभ किसने, हर्षवर्धन ने, गौतम बुद्ध ने, अशोक ने या फिर कनिष्क ने, किसने बनाया बेटा, तो सारनाथ का जो स्तंभ है बेटा वो मूल रूप से बनाया गया अशोक के द्वारा। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसे श्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, अमरावती को, भरहूत को, सारनाथ को या फिर सांची को, तो श्रेष्ठ स्तूप मानने का जो काम है वो सांची के स्तूप का है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, सांची का स्तूप इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। 68 में पूछा गया अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, संस्कृत है, प्रकृति है, हिंदी है या फिर पाली है, तो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है बेटा, जो प्रयोग की गई भाषा है वो प्रकृति है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। 69 में पूछा गया ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्धावाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, तो ब्राह्मी लिपि पे जो है प्रथम उद्धावाचन मूल रूप से किस पे उत्कीर्ण अक्षरों पे किया गया, पत्थर की पट्टियों पर, स्तंभों पर, मुहरों पर या फिर सिक्कों पर, तो ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया था उसे पढ़ने का काम सबसे पहले पत्थरों की पट्टियों से ही हुआ है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 70 की तरफ बढ़ते हैं। 70 में पूछा गया अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, चार्ल्स ब्लिंगसन ने, जेम्स प्रिंसेप ने, विलियम जोन्स ने या फिर मैक्स मूलर ने, तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले सफलतापूर्वक पढ़ने का जो काम रहा है बेटा वो रहा है किसका, तो रहा है जेम्स प्रिंसेप का। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। पूछा गया वह स्थान जहां प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो बेटा जहां प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है कौन सा है, नागार्जुन कोण है, अनुराधापुर है, मिस्की है या फिर ब्रह्मगिरी है, तो प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का जो पता चलता है बेटा वो अनुराधापुर में पता चलता है। अनुराधापुर इज द राइट आंसर बन रहा है, यानी बी इज द राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। पूछा गया अशोक ने ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किससे पढ़वाया था, प्रिंसेप से, एचडी सांकालिया से, आरएस गोयल से या फिर बीएन मिश्रा से, तो अशोक ने ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था बेटा, तो आप जानते हैं सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 में पूछा गया अशोक ने अपने शिलालेखों में सामान्यतया जिस नाम से उल्लेखित हुआ है वह कौन सा है, चक्रवर्ती, धर्मकीर्ति, धर्मदेव या फिर प्रियदर्शी, तो अशोक अपने शिलालेखों में मूल रूप से अपने आप को प्रियदर्शी के नाम से प्रदर्शित करता था, तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन सा एक वाक्य अशोक के प्रारंभिक स्तंभों के बारे में गलत जानकारी देता है, तो इन सब पे बढ़िया पॉलिश है, हाँ सही है, अच्छी पॉलिश पाई जाती है, ये अखंड हैं, बिल्कुल सही है, ये अखंड हैं, स्तंभों में सॉफ्ट जो है शुंडाकार है, तो कैसा है यहाँ पर सॉफ्ट जो है मूल रूप से हाँ शुंडाकार भी है, लेकिन पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो स्थापत्य संरचना के भाग हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है डी बनेगा बेटा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से
किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रोमन देव, विशिष्ट कलिंग देश राजा या फिर मेस्की? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मास्की के साथ जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। पूछा गया गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख मूल रूप से कहाँ पाया जाता है बेटा? मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में पाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ मिल रहा है। प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। पूछा गया केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राट बताया था, तो किसमें अशोक को जो है मगध का साम्राट बताया गया? मास्कनी का लघु स्तंभ, रोमन देई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या फिर भ्राबू स्तंभ? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा भ्राबू स्तंभ। राइट आंसर जो है बी के साथ बन जाएगा। भ्राबू स्तंभ जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। 78 में पूछा गया उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? नैनीताल में, पैड़ी में, टिहरी में या फिर कालसी में? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? राइट आंसर बनेगा कालसी या फिर देहरादून। अशोक सम्राट का एक शिलालेख कालसी में भी मिलता है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमी सत्कर्णी के नासिक प्रशस्ति में, महाक्षत्रप की रुद्रक दमन का जूनागढ़ अभिलेख में, अशोक की गिनार अभिलेख में या फिर स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में? तो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है बेटा? तो मिलता है महाक्षत्रप रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। आप देखेंगे वहीं पे अशोक जो है और चंद्रगुप्त एक साथ पाए जाते हैं। बी राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 80 की तरफ बढ़ते हैं। 80 में पूछा गया इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी देता है? तो किसका शासनकाल दर्शाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त द्वितीय का या फिर समुद्रगुप्त का? तो बड़ा समुद्रगुप्त की जानकारी वो देता है। डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81 में कहा जाता है कि शतरंज के खेल उद्भूत हुआ था कहाँ पे बेटा? शतरंज स्टार्ट होता है कहाँ पे, जन्म होता है? चीन में, इंडोनेशिया में, ईरान में या फिर भारत में? तो शतरंज का जन्मदाता बेटा भारत को माना जाता है, अपना देश भारत राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं। पूछा गया भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी या फिर भाजा? तो भारत का सबसे प्राचीनतम विहार कौन सा माना जाता है बेटा? सबसे प्राचीनतम विहार जो है नालंदा माना जाता है। ए राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। पूछा गया नालंदा कहाँ पे स्थित है? नालंदा कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? तो नालंदा जो है मूल रूप से पाया जाता है बिहार प्रांत में। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, चाहमान, गुर्जर प्रतिहार या फिर परमार? तो बेटा खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी होता है? तो सहयोगी होते हैं चंदेल वंश के राजा। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 की बात करते हैं। पूछा गया चंदेल राजाओं ने निर्माण किया किसका? सांची का, ग्वालियर का, उज्जैन का या फिर खजुराहो का? तो यहाँ पे राइट आंसर खजुराहो ही बनेगा, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा ही है। प्रश्न संख्या 86 की बात करते हैं। पूछा गया खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल ने, कलचुरी ने, मौर्यों ने या फिर पल्लवों ने? तो खजुराहो में मंदिरों का जो निर्माण है बेटा वो मूल रूप से किसके द्वारा होता है? चंदेलों के द्वारा होता है। राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। 87 की बात करते हैं। 87 में पूछा गया किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? परमार ने, चंदेल ने, मौर्य ने या फिर होलकर ने? तो बेटा भारत को खजुराहो का मंदिर देने का श्रेय किसके पास है? वो भी चंदेल के पास ही है। सी राइट आंसर बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। पूछा गया गुर्जर के जो है खजुराहो के मंदिरों को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? चंदेल के, गुप्त के, रोहल्या के या फिर मौर्य के? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो वो लोग मूल रूप से चंदेल परिवार के राजा थे। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। 89 में पूछा गया खजुराहो के मंदिरों का संबंध है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से या फिर जो है जैन धर्म से? तो खजुराहो का जो मंदिर है बेटा वो किस धर्म से संबंध रखता है? हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंध रखता है। सी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 90 की बात
करते हैं, 90 में पूछ लिया गया है आबू का जैन मंदिर कहाँ बनाया है या किसने बनाया है। तो बड़ा आबू, माउंट आबू का जो जैन मंदिर है, बलुआ पत्थर से बना, चूना पत्थर से बना, ग्रेनाइट से बना या फिर संगमरमर से बना। तो आप जानते हैं संगमरमर से माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया, परमार ने, राष्ट्रकूट ने, चेंदी ने या फिर चंदेल ने। तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, आप जानते हैं चंदेल शासक बनवाते हैं क्या, चंदेल शासक बनवाते हैं बेटा खजुराहो का जो। तो कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया बेटा, आप जानते हैं चंदेल राजाओं ने ही बनवाया है। चंदेल राजाओं में कौन आता है, विद्याधर चंदेल मूल रूप से कंदरिया महादेव मंदिर को बनवाते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर जो है आप जानते हैं भगवान शिव को समर्पित है, याद रखना है। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास ये बनता है, 1025 के आसपास, ठीक है। प्रश्न संख्या 92 की बात करते हैं। पूछ रहे गया, खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है, तो मांतगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है बेटा, भगवान विष्णु को, शिव को, पार्वती को या फिर सूर्य को। तो मांतगेश्वर जो मंदिर है मूल रूप से किसको समर्पित है, मांतगेश्वर मंदिर का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से समर्पित है भगवान शिव को। बी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। 93 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, खजुराहो में नहीं है, कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त या फिर दशावतार। आप जानते होंगे दशावतार मंदिर अपने उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, ये मंदिर खजुराहो में नहीं पाया जाता। अच्छा, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है कहाँ पे, तो आप जानते होंगे मामा की नगरी मध्य प्रदेश, वहीं पे स्थित है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव करिए, खजुराहो चंदेल ने बनवाया, एलोरा शक ने बनवाया, महाबलीपुरम राष्ट्र ने बनवाया या फिर मीनाक्षी मंदिर पल्लो ने बनवाया। सही युग्म का चयन करना था आपको। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, खजुराहो को चंदेल शासकों ने बनवाया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट 95 की बात करते हैं। पूछा गया, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या फिर सोन नदी का उपगम स्थल के लिए। तो बड़ा भीम बेटिका किसके लिए फेमस होता है, भीम बेटिका का जो संबंध है वो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए फेमस होता है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। 96 में क्या पूछा गया बेटा, 96 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं पाई जाती हैं, अजंता में, कान्हेरी में, कार्ले में या फिर राजगृह में। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, कान्हेरी में मूल रूप से ऐसा काम है कि 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं मिलती हैं। सी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं। पूछा गया, एलिफेंटा की गुफाएं निम्नलिखित धर्मों में से मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं, तो एलिफेंटा की गुफाएं किससे हैं, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। आप जानते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंध रखती हैं। एलिफेंटा की गुफाएं धारापुरी में स्थित हैं। धारापुरी कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। पूछा गया, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट करके बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको, चालुक्यों को, पल्लवों को, चोलों को या फिर राष्ट्रकूटों को। तो एलिफेंटा के जो शैल हैं उसको काट काट करके किसने बनवाया है, तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया है बेटा। राइट आंसर डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। पूछा गया, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रण के लिए केवल 2 उदाहरण है, इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है और दूसरा कहाँ पे किया गया है बेटा, जो गुप्तकाल का दूसरा अवशिष्ट स्थान है वो कहाँ पे है, बाघ गुफा, एलोरा गुफा, लोमहर्ष गुफा या फिर नासिक गुफा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो ये राइट आंसर बनेगा बाघ गुफा में, बाघ गुफा राइट आंसर बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं। पूछा गया, पश्चिम भारत में प्राचीन शैली गुफाएं कहाँ पे हैं, तो प्राचीनतम शैली की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, नासिक में, एलोरा में, अजंता में या फिर जुनार, कल्याण और पीतलखोड़ा में, अजंता, भांजा और कोंडर ने, भांजा, पीतलखोड़ा और जो है कोडने में। तो पश्चिम भारत की प्राचीनतम शैलाकृत गुफाएं मूल रूप से कहाँ पाई जा रही हैं बेटा, नासिक, एलोरा और अजंता में पाई जा रही हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 101 की बात करते हैं। पूछा गया, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्ध के लिए, बौद्ध और जैन के लिए, हिंदू और जैन के लिए या फिर बौद्ध, जैन और
जो है हिंदुओं के लिए। तो एलोरा आप जानते होंगे 34 गुफाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, मूल रूप से हिंदू बौद्ध और जैन के लिए ये डाटा विश्वविख्यात है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 102 की बात करते हैं। पूछा गया बौद्ध हिंदू और जैन संयुक्त गुहाएं मूल रूप से एक साथ कहाँ पाई जाती हैं। तो बौद्ध हिंदू और जैन के साथ डाटा कहाँ मिलता है, अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में या फिर कार्ले में। तो आप जानते हैं एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाले बेल्ट में पाया जाता है और बौद्ध जैन और ब्राह्मण के डाटा यहीं मिलते हैं। एलोरा में 34 गुफाएं होती हैं। 1 से 12 तक का डाटा किस धर्म से संबंधित है, तो 1 से 12 तक की बौद्ध धर्म है, 13 से 29 तक का ब्राह्मण है, 13 से 29 तक का ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण के बाद आता है क्या, ब्राह्मण के बाद कौन सा धर्म आएगा, तो ब्राह्मण के बाद जैन धर्म आएगा। 30 से 34 तक की गुफाएँ जो हैं ब्राह्मण धर्म से, सॉरी नहीं ब्राह्मण धर्म से नहीं, कौन से धर्म से, तो मूल रूप से जैन धर्म से संबंध रखती हैं 30 से 34 नंबर की गुफाएँ। प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। पूछा गया निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, एलिफेंटा, अजंता, नालंदा या फिर खजुराहो। तो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए फेमस ग्रंथ कौन सा है बेटा, कौन सा डाटा ऐसा है जो बहुत फेमस है, तो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता जिम्मेदार है। अजंता में 30 गुफाएँ पाई जाती हैं, ये याद रखना है। सी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था किसने, पल्लव ने, राष्ट्रकूट ने, चोलों ने या फिर पल्लवों ने। तो एलोरा का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया है बेटा, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। पूछा गया किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, राष्ट्रकूट ने, मौर्य ने, सातवाहन ने या फिर पल्लव ने। तो वह कौन सा वंश है जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आप जानते हैं राष्ट्रकूट वंशों ने मूल रूप से कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। कैलाश मंदिर एलोरा की जान कहलाती है, गुफा संख्या 16 में स्थित है। प्रश्न संख्या 106 की तरफ बढ़ते हैं। 106 में कहा गया है एलोरा का ख्याति शिव मंदिर किस राजवंश के समय में बना था। तो एलोरा का जो है ख्याति शिव मंदिर कहाँ बना है, राष्ट्रकूट ने, चालुक्य ने, परमार ने या फिर चोल ने। तो ख्याति प्राप्त जो मंदिर है वो मूल रूप से राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं, सॉरी 107 की बात करते हैं। पूछा गया किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर शाक्त धर्म। तो बेटा वह कौन सा धर्म है जिसमें राष्ट्रकूट संरक्षण प्रदान किए हुए थे। तो राष्ट्रकूट का संरक्षण मूल रूप से जैन धर्म में मिलता है। बी राइट आंसर होता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं। पूछा गया पहाड़ी काट करके एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किसने करवाया, मौर्य ने, चालुक्य ने, पल्लव ने या फिर राष्ट्रकूट ने। तो कैलाश मंदिर को पहाड़ी काट काट करके राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 की बात कर लेते हैं। पूछा गया एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश जो है संबंधित रहा है, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट। तो एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाने के लिए मूल रूप से राष्ट्रकूट शासक जो है प्रतिबद्ध रहे हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं। पूछ लिया गया एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबंधित करेंगे, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल या फिर चालुक्य। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा यहाँ पे, तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा राष्ट्रकूट। राइट आंसर सी के साथ बच जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं। 111 बड़ा 111 में पूछा गया एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था, कौन सा बेटा, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय या फिर कृष्ण द्वितीय। तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करता मूल रूप से कौन माना जाता है, तो वो हम माना जाता है मूल रूप से कौन, आप जानते होंगे एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करता कृष्ण प्रथम माना जाता है, कृष्ण प्रथम माना जाता है, याद रखना। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करता कौन है, कृष्ण प्रथम ही है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 112 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अजंता और एलोरा गुफाएं हैं कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। तो अजंता और एलोरा गुफाएं मूल रूप से आप जानते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो सी राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 113 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? नासिक में, मुंबई में, पुणे में, औरंगाबाद में। राइट आंसर औरंगाबाद हो जाएगा बेटा, सी राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 114 की बात करते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, या फिर गोलकुंडा मध्य प्रदेश। तो मूल रूप से एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा कौन सी पाई जाती है बेटा? औरंगाबाद महाराष्ट्र पाई जाती है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं। पूछा गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव वर्मन ने बनवाया, अशोक ने बनवाया, राजेंद्र चोल ने बनवाया, या फिर कृष्णदेव राय ने बनवाया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बनवाने का काम रहा है बेटा, नरसिम्हदेव वर्मन का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहे हैं, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 की तरफ बढ़ते हैं। 116 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूर्य मंदिर है? कौन सा है बेटा? लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, कोणार्क मंदिर, या फिर जगन्नाथ मंदिर? तो राइट आंसर यहाँ पे कोणार्क मंदिर बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। मूल रूप से सूर्य मंदिर कौन है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 117 की बात करते हैं। पूछा गया, लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ? अवस्थित है भुवनेश्वर में, कोलकाता में, बीजापुर में, या फिर वाराणसी में? लिंगराज मंदिर कहाँ पाया जाता है बेटा? लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में पाया जाता है। ए राइट आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 की बात करते हैं। पूछा गया, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊँचा मंदिर कौन सा है? ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, राजरानी मंदिर, या फिर लिंगराज मंदिर? तो उड़ीसा में नष्ट होने से बच गया था मंदिर, और सबसे ऊंचा मंदिर वो माना जाता है लिंगराज मंदिर। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर, यानी लिंगराज मंदिर इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं। पूछा गया, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट कहाँ पाया जाता है बेटा? जावा में, कंबोडिया में, सुमात्रा में, या फिर चंपा में? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे कंबोडिया में पाया जाता है अंकोरवाट का मंदिर, कंबोडिया राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 120 की बात करते हैं। पूछा गया, अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? भारतवर्ष में, श्रीलंका में, कंबोडिया में, या फिर जापान में? तो अंकोरवाट का विष्णु मंदिर मूल रूप से कहाँ पाया जाएगा बेटा? वो पाया जाएगा कंबोडिया में ही। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 की बात करते हैं। पूछा गया, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? श्री मरियम्मन मंदिर, अंकोरवाट मंदिर, कामाख्या मंदिर, या फिर वांटू केब्ज मंदिर? तो बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में क्या बना था बेटा? बना था अंकोरवाट का मंदिर, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोरवाट का मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 की बात करते हैं। पूछा गया, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रियतम उदाहरण है, स्थित है कहाँ पे? दतिया में, ओरछा में, खजुराहो में, या फिर ग्वालियर में? तो बड़ा गोविंद महल मूल रूप से पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? दतिया में पाया जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 की बात करते हैं। पूछा गया, द्रविण शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, गोपुरम से क्या तात्पर्य है बेटा? गर्भ से, दीवारों पे की चित्रकारी से, शिखर से, या फिर तोरण के ऊपर बने आकृतियों और बहुमंजिला भवनों से? तो द्रविण शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य किसका माना जाता है? तो गोपुरम से जो तात्पर्य है बेटा, वो तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला मंदिरों से माना जाता है। डी राइट आंसर हो रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर और पुरी, जगन्नाथपुरी का मंदिर किस में निर्मित है? नागर में, बेसर में, द्रविण में, कोई नहीं? राइट आंसर बनेगा बेटा नागर शैली। भुवनेश्वर का मंदिर और जो है भगवान जगन्नाथ का पुरी मंदिर मूल रूप से दोनों नागर शैली में ही निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 की बात करते हैं। पूछा गया, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अमोघवर्ष ने, खारवेल ने, या फिर चामुंडा
राय ने, तो राइट आंसर बनेगा चामुंडा राय, यानी डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। इस टाइप से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट एक को सॉल्व किया है। 125 क्वेश्चनों का सेट था, और मूल रूप से ये सेगमेंट आपको कैसा लगा ये आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लाइक अच्छी आती है तो मैं मानता हूँ कि आपका जो है यहाँ से डाटा कुछ समझ में आया है, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला है। मिलते हैं फिर में, तब तक के लिए जय हिंद।